हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम यू ऑल बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक डेस्कटॉप के बारे में जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है, जो है MSI का क्रिएटर P50। ये एक परफॉर्मेंस डेस्कटॉप है जिस पर आप एडिटिंग, फोटोग्राफी वर्क, ग्राफिक डिजाइनिंग या 3D रेंडरिंग जैसे कोई भी काम कर सकते हैं। आप इस पर गेमिंग भी कर सकते हैं, बट बहुत हाई एंड गेमिंग आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि 4K ये सपोर्ट कर दे तो वो नहीं होगा, उसमें फिर लैग आएगा बहुत ज्यादा। तो नॉर्मल गेमिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और उसके साथ मैं बताता हूँ आपको इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। ये आता है इंटेल कोर i7 11700F के साथ। 16GB की रैम आती है जो कि DDR4 32 MHz। बात करें ग्राफिक्स की तो इसमें RTX 3060 आता है जो है Aero RTX 12GB का ग्राफिक कार्ड है। इसके साथ आती है 1TB ऑफ हार्ड डिस्क एंड 512GB ऑफ SSD। प्री इंस्टॉल आती है विंडोज 10 और जो कि अपग्रेडेबल है विंडोज 11 में, वो भी फ्री। कनेक्टिविटी की बात करें तो आता है वाईफाई 6E के साथ एंड ब्लूटूथ 5.2। और बात करें वारंटी की तो आती है 2 साल की MSI की तरफ से वारंटी इस पे। इस प्रोडक्ट को आप लेने के बाद MSI की ऑफिशियल साइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद आपकी जो वारंटी वो एक्टिव हो जाएगी। बात करें पोर्ट्स की तो फ्रंट में आपको मिलता है एक थंडरबोल्ट पोर्ट 4 जिससे आप 15W की चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ 2 USB 3.2 Gen के पोर्ट, एक माइक इन और एक हेडफोन आउट। बाकी फीचर वेरी करते हैं मॉडल टू मॉडल। ये वाला जो मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ आज, ये है i7 वाला वेरिएंट। एक i5 वाला भी आता है, तो ये वाला मॉडल मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में जिससे आपको पता चल जाए कौन सा वाला मॉडल है। बात करें रियर पोर्ट्स की तो सबसे ऊपर 3 हेडफोन जैक, उसके नीचे एक USB 3.2 Gen 2, फ्रंट में Gen 1 था। उसकी साइड में एक RJ45 का पोर्ट आता है, एक कैजिंगटन लॉक आता है, एक USB 3.2 Gen 2 पोर्ट, एक टाइप सी थंडरबोल्ट पोर्ट और उसके नीचे DC इन पावर पोर्ट मिल जाता है। साथ में फ्रंट में आपको एक RGB स्ट्रिप मिल जाती है जो दिखने में बहुत कूल लगती है और लुक को बहुत ज्यादा एनहांस कर देती है। उसी के राइट में मैश डिजाइन है जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। यही एक पावर ऑन ऑफ का बटन है। बॉक्स के अंदर ही इसका एक स्टैंड आता है जिसकी हेल्प से आप इसे वर्टिकली प्लेस कर सकते हो टेबल पे, डेस्क पे, जहां भी आप इसे यूज कर रहे हो। इसके लेफ्ट में रबर ग्रिप्स दे रखी हैं जिसकी मदद से आप इसे हॉरिजॉन्टली भी प्लेस कर सकते हो कहीं पर भी, जहां भी आप चाहते हो। इसमें ऊपर नीचे दोनों साइड एयर वेंट्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से अच्छा एयर फ्लो बना रहता है और PC जो है जल्दी हीट नहीं होता है। इसके राइट साइड में ये बड़ी सी जो ग्रिल है, यहां पर इसका ग्राफिक कार्ड प्लेस्ड है। अगर इसके बैक पर देखें तो एक HDMI पोर्ट, 3 एडिशनल डिस्प्ले पोर्ट दिए जाते हैं जिसकी हेल्प से आप एडिशनल डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो। 3 से 4 मॉनिटर एड ऑन करके एक बड़ा सा सेटअप बना सकते हो। अब बात करें बेंचमार्क स्कोर्स की तो ये है सिनेबेंच का स्कोर और ये है गीक बेंच का स्कोर। बात करें कंक्लूजन की तो ये डेस्कटॉप बनाया गया है क्रिएटर्स के लिए एंड ऑप्टिमाइज्ड और टेस्टेड है सारे ही क्रिएशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। आप चाहे वो 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर 3D मैक्स हो या वीडियो एडिटिंग या फोटोग्राफी के लिए यूज किया गया फोटोशॉप या प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट। मैंने खुद ने ये सारे सॉफ्टवेयर एक ही टाइम पे रन करके देखे इसी डेस्कटॉप पर और मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। सीमलेसली स्विच कर पा रहा था मैं सारे ही एप्स के बीच में। बात करें गेमिंग की तो MSI खुद अपनी साइट पे इसे गेमिंग PC की तरह एडवर्टाइज नहीं करता है, उसके लिए MSI की ट्राइडेंट एंड इन्फिनाइट सीरीज अलग से आती है। ये डेस्कटॉप उनकी कंटेंट क्रिएशन PC सीरीज का पार्ट है। अगर आप गेमिंग का इनडेप्थ रिव्यू देखना चाहते हैं इसी PC का तो प्लीज कमेंट करें नीचे और मैं आपके लिए एक गेमिंग इनडेप्थ रिव्यू की वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। मैंने इस पे GTA 5, NFS हीट और वॉरफेस जैसे गेम ट्राई किए हैं, खेले हैं, तो उसमें मुझे कोई लैग दिखाई नहीं दिया। बट एक सिनेरियो था जहां मैंने प्रीमियर प्रो बैकग्राउंड में रन किया हुआ था, उसके साथ जब मैंने GTA 5 रन किया तो उसे खेलते हुए मुझे काफी लैग दिखाई दे रहा था, काफी डिस्टॉर्टेड चीजें आ रही थी, FPS डाउन जा रहा था कई बार। तो हाई सेटिंग्स थी बट स्टिल जब एक ऐप रन करता है और साथ में उसके साथ आप गेम रन करते हो तो उस टाइम पे शायद ये लैग दिखा रहा था। अगर आप सिर्फ गेम रन करें तो शायद ये सिनेरियो ना बने, बट बहुत हाई एंड गेमिंग अगर आप करते हैं बहुत हाई रेजोल्यूशन पे तो आपको वहां पर लैग दिखाई दे सकता है। बेसिकली ये गेमिंग PC नहीं है, क्रिएटर PC है, बट गेमिंग अगर आप करना चाहते हो इस PC पे तो हाई एंड गेमिंग ना करें। आप इसको नॉर्मल गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं जिस पर आप हायर रेजोल्यूशन पर, और कुछ गेम्स जो बहुत हाई होंगे उनको आप मीडियम सेटिंग्स पर खेल सकते हैं। अगर आपकी प्रेफरेंस सिर्फ गेमिंग है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको ना लें, क्योंकि अगर आप सिर्फ गेम खेलने वाले हैं तो उसके लिए MSI की ट्राइडेंट इन्फिनिट सीरीज आती है, आप उसको चूज कर सकते हैं। सो बात करते हैं अब कॉस्ट की कि कितने में मुझे ये पड़ा। तो मैंने ये खरीदा था SMC इंटरनेशनल से, वो भी ऑफर में। उस टाइम ये मुझे ऑफर में 80,000 रुपीज के आसपास का पड़ा था। आप भी खरीद सकते हैं अगर ये सेम ऑफर आपको मिलता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा तो आप जाके वो ऑफर चेक कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और क्या इस PC से रिलेटेड आप देखना चाहते हो आगे वीडियोस में नीचे कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।